Hello everyone, it's me Ankita Gaur, your computer teacher from Real Public School. Now today we start a chapter number 3, Computer and Man. Okay, इसके अंदर हम क्या करें देखेंगे कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है और मैन क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हम कंपेयर करेंगे. ओके, एंड द की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर इज वॉट कंप्यूटर्स कैन डू, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, एंड वॉट कंप्यूटर्स कैन नॉट डू, और कंप्यूटर क्या क्या नहीं कर सकता. ओके, वी नो दैट अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड थिंग. आप लोगों को सबको पता है कि कंप्यूटर किसने बनाया है, मैन ने बनाया, तो इसलिए ये कौन सा थिंग है, मैन मेड थिंग. इट इज द मोस्ट यूजफुल मशीन मेड बाय मैन. ये सबसे ज्यादा यूजफुल मशीन है जो मैन ने बनाई है. इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटर देन अ मैन. ये क्या है, बहुत अच्छी चीजें कर सकता है जितना मैन भी नहीं करता, उससे ज्यादा बेटर करता है कंप्यूटर. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू. बट ऐसी चीजें हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, तो उसके बारे में हम इसमें रीड करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आर्यन एंड हिज लैपटॉप कंप्यूटर आर आर्गुइंग टू प्रूव देमसेल्फ्स बेटर देन द अदर. इसमें क्या हो रहा है, एक आर्यन है और एक उसका लैपटॉप है. ओके, वो आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, क्या कि हम दोनों में से बेटर कौन कौन है. तो अपने देखते हैं कौन बेटर है. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट हु इज बेटर. ओके, सो लेट स्टार्ट. दिस इज आर्यन एंड दिस इज उसका कंप्यूटर लैपटॉप. ओके, सो लेट स्टार्ट. What computers can do? Computers क्या क्या कर सकता है उसके बारे में देखते हैं. तो सब नंबर वन लैपटॉप क्या कह रहा है, आई नेवर फॉरगेट थिंग्स, आई कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर कह रहा है कि मैं कभी कुछ भी नहीं भूलता हूं, मैं अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता हूं. तो अब आर्यन क्या कहता है, ओह I forget things, मतलब वो कह रहा है कि मैं तो भूल जाता हूँ, है ना. कई बार हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो कई बार अपने अगर अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं या फिर बहुत पहले की भी होती है, वन मंथ पहले, तो हम आंसर भूल जाते हैं ना. बट कंप्यूटर लैपटॉप कभी नहीं भूलते. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड इज आई नेवर गेट टायर और बोर्ड ऑफ एनी थिंग. ये क्या कह रहा है कि मैं कभी भी थकता नहीं हूँ और कभी भी बोर नहीं होता कुछ भी वर्क करने के लिए. ठीक है, उसको चाहे अपने 24 आवर्स वर्क करने के लिए दे देंगे ना लैपटॉप को, तब भी ये कभी भी बोर नहीं होता है और कभी भी थकता नहीं है. बट आर्यन कह रहा है आई एम सो टायर्ड एंड बोर ऑफ दिस गेम. ये तो कह रहा है कि मैं तो एक बार ही कोई गेम हो ना खेल लेता हूँ ना, तो उसके बाद तो मैं ना बोर होने लग जाता हूँ थोड़े टाइम बाद और मैं थक भी जाता हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई डू कैलकुलेशंस वेरी फास्ट. मैं कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता हूँ. ठीक है, और आर्यन क्या कह रहा है, ओह आई कैन नॉट वर्क सो फास्ट, मैं तो वर्क फास्ट कर ही नहीं सकता हूँ, ये आर्यन कह रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट हुर्रे आई नेवर मेक मिस्टेक. आर्यन कह रहा है कि मैं तो कभी भी मिस्टेक नहीं करता हूँ. बट सॉरी कम लैपटॉप कह रहा है कि हुर्रे मैं कभी मिस्टेक नहीं करता हूँ. बट आर्यन कह रहा है ओ आई सॉल्व द सम रॉन्ग, जो मैंने रंग सम सॉल्व किया है वो रॉन्ग हो गया है. तो देखा आपने इसमें लैपटॉप है ना विन हो गया है ना, लैपटॉप जीत गया है. क्यों, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी एडवांटेजेस बता दी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, है ना. बट आर्यन तो वो चीज नहीं कर सकता. अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट कंप्यूटर कैन नॉट डू. अब नेक्स्ट हो रहा है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता. ओके, सो नंबर वन आर्यन कह रहा है आई हैव इमोशंस, आई लव माय मम्मी एंड पापा. आर्यन कह रहा है कि मेरे अंदर तो इमोशंस है और मैं अपने मम्मी पापा को बहुत लव करता हूँ. बट लैपटॉप क्या कह रहा है, आई कैन नॉट फील, आई हैव नो इमोशंस. लैपटॉप कह रहा है मैं तो कुछ भी फीलिंग नहीं कर सकता, कुछ भी फील नहीं करता हूँ, मेरे अंदर तो कोई इमोशंस नहीं है, तो ये लैपटॉप नहीं कर सकता. ओके, तो अब की बार आर्यन विन हो रहा है. नेक्स्ट क्या है,
आर्यन कह रहा है आई कैन थिंक एंड टेक डिसीजंस, मैं क्या कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ और डिसीजंस भी ले सकता हूँ, और आई हैव माय एग्जाम्स, मैं अपने एग्जाम्स दे सकता हूँ, आई मस्ट स्टडी, मैं स्टडी भी कर सकता हूँ, बट लैपटॉप क्या कह रहा है, आई कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजंस, मैं कुछ भी नहीं सोच सकता और अपने डिसीजंस नहीं ले सकता. ओके, नाउ नेक्स्ट इज Like you, I do not depend on electricity or batteries to work. I work on my own. ये क्या कह रहा है कि तुम्हारी तरह मैं किसी इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी पे डिपेंड नहीं हूँ वर्क करने के लिए, मैं मेरा काम खुद करता हूँ. और लैपटॉप क्या कह रहा है, आई कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और बैटरीज, मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना बैटरी के नहीं चल सकता. ओके, लास्ट वन इज आई डू नॉट नीड योर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. आर्यन कह रहा है कि मुझे कोई वर्क करने के लिए तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस की नीड नहीं है, तुम्हारे ऑर्डर की नीड नहीं है. बट लैपटॉप कह रहा है आई कैन नॉट वर्क विदाउट योर इंस्ट्रक्शंस. तो लैपटॉप कहता है कि मैं बिना आर्यन की इंस्ट्रक्शंस के वर्क कर ही नहीं सकता. तो इसलिए कौन विन हुआ? आर्यन. ओके, अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन. कंप्यूटर को किसने बनाया है? मैन ने बनाया है. एंड इज डिपेंडेंट ऑन मैन. ये किस पे डिपेंड है? मैन के ऊपर डिपेंड है. इट कैन नॉट इवन स्टार्ट वर्क विदाउट अवर इंस्ट्रक्शंस. ये क्या है, बिना इंस्ट्रक्शंस के कंप्यूटर लैपटॉप वर्क नहीं कर सकता. बट व्हेन वी यूज कंप्यूटर्स फॉर अवर वर्क, द कंप्यूटर्स वर्क बेटर देन अस. बट जब हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं वर्क के लिए, तो ये अच्छा वर्क करता है कंपेयर टू मैन. इज नॉट इट इंटरेस्टिंग? ओके, आप लोगों को सबको ये बहुत पसंद आया होगा ना चैप्टर, कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता. ओके, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट रिकॉर्डिंग वी डू सम बुक एक्सरसाइजेस. ओके, टेक केयर, बाय बाय.